जय हिंद साथियों आज हम एक नई बात सीखते हैं इसको सीखने के दौरान आपको आनंद भी आएगा और बड़ी रोचक भी आपको लगेगी ये जानकारी कि हम क्रमागत संख्याओं को जोड़कर क्रमागत विषम संख्याओं को निश्चित क्रम में जोड़कर संख्याओं के घन ज्ञात कर सकते हैं क्रमागत विषम संख्याओं को निश्चित संख्या में जोड़कर निश्चित क्रम में जोड़कर सभी क्रमागत संख्याओं के घन ज्ञात कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आइए हम सीखते हैं एक से शुरू करते हैं पहली विषम संख्या कौन सी है एक एक का घन एक ही होएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको हम एक के घन के रूप में लिख सकते हैं अब एक से आगे की विषम संख्या कौन सी होती है एक से आगे की होती है दो और एक से आगे की होती है तीन विषम संख्या और तीन से आगे की होती है पाँच ये क्रमागत संख्या है इन दोनों को जोड़ी ये दो संख्याएं हमने जोड़ी तो क्या आया आठ आठ को हम दो के घन के रूप में लिख सकते हैं है ना मज़ेदार दो संख्याओं को जोड़ा तो दो का घन प्राप्त हुआ है ना अब हम तीन संख्याओं को जोड़ेंगे पाँच के बाद की तो पाँच के बाद की दसम संख्या सात नौ और ग्यारह इनको जोड़िए तो कितना आएगा ग्यारह और नौ बीस और सात सत्ताईस सत्ताईस को हम तीन के घन के रूप में लिख सकते हैं देखिए कितनी मज़ेदार बात है ग्यारह से आगे की चार विषम संख्या लीजिए तो ग्यारह से आगे की तेरह है पंद्रह है सत्रह और उन्नीस ये चार संख्याएं ली हमने इनको जोड़ेंगे नौ और सात सोलह और पाँच इक्कीस और तीन चौबीस ती चार तीन चार पाँच छः कितने हो गए चौंसठ को हम चार के घन के रूप में लिख सकते हैं अब पांच संख्या लेते हैं उन्नीस से आगे की क्रमागत संख्या चल रही हैं क्रमागत तो विषम संख्या। उन्नीस के आगे की विषम संख्या होगी इक्कीस तेईस पच्चीस पच्चीस सत्ताईस एक दो तीन चार पाँच लेना सत्ताईस और उनतीस इनको जोड़िए तीन और एक चार चार और पाँच नौ नौ और सात सोलह सोलह और नौ पच्चीस की पाँच दो और दो चार और दो छः और दो आठ और दो, दो दस और दो तो बारह एक सौ पच्चीस इसको हम पाँच के गण के रूप में लिख सकते हैं इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो हम किसी भी संख्या का घन प्राप्त कर सकते हैं अब आगे चलिए उनतीस से आगे इकतीस तैतीस तैतीस सैतीस कितनी लेना है हमें छः एक दो तीन चार सैतीस उनतालीस और इकतालीस इनको जोड़ें तीन एक चार और पाँच नौ और सात सोलह और नौ पच्चीस और एक छब्बीस की छः तीन और दो पाँच तीन आठ और तीन ग्यारह तीन चौदह और तीन सत्तर और चार इक्कीस दो सौ सोलह दो सौ सोलह किसका का घन है छ का घन है संख्याओं को जोड़ने पर छः का घन आ गया अब हम सात क्रमागत क्रमांक संख्याओं को जोड़ेंगे इकतालीस से आगे तिरतालीस पैंतालीस सैंतालीस उनचास इक्यावन त्रेपन कितनी हो गई एक दो तीन चार पाँच छ और पचपन इनको जोड़िए तीन पाँच आठ सात पंद्रह पंद्रह चौबीस पच्चीस अट्ठाईस और पाँच तैंतीस की तीन हंसलाई चार तीन हंसलाई तीन चार और तीन सात सात और चार ग्यारह चार पंद्रह चार उन्नीस पाँच चौबीस उनतीस और पाँच चौंतीस उनतीस और पाँच चौंतीस तीन सौ तिरतालीस ये सात का घाना होता है है ना सात संख्या ली तो सात का घाना आ गया अब आगे की लेते हैं आठ संख्याएं पचपन से आगे की सत्तावन उनसठ इकसठ तिरसठ पैंसठ सड़सठ उनहत्तर एक दो तीन चार पाँच छः सात और इकहत्तर अब इनको जोड़ें तो आठ का गण प्राप्त हो जाएगा देखिए नौ और सात सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस पच्चीस बत्तीस बत्तीस इकतालीस बयालीस की दो हंसलाई चार पाँच नौ और पाँच चौदह छः बीस छः छब्बीस छः बत्तीस छः अड़तीस छः अड़ चवालीस और सात इक्यावन पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह कितने का घन हो गया आठ का घन इसको आठ के घन के रूप में हम लिख सकते हैं आठ हो गए अब आगे की नौ संख्याएँ लेते हैं इकहत्तर से आगे की तिहत्तर पचहत्तर सतहत्तर उन्यासी इक्यासी तेरासी पचासी सतासी नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सतासी और एक नवासी ये नौ संख्याएँ हो गई इनको जोड़िए सात तीन और पाँच आठ सात पंद्रह पंद्रह नौ चौबीस पच्चीस अट्ठाईस तैतीस चालीस उनचास उनचास की नौ हाँ से लाई चार सात और चार ग्यारह अठारह पच्चीस बत्तीस चालीस अड़तालीस अड़तालीस और आठ छप्पन छप्पन और आठ चौसठ और सात आठ बहत्तर सात सौ उनतीस सात सौ उनतीस को हम नौ के घन के रूप में लिख सकते हैं कितना मज़े मज़ेदार खेल है खेल खेल में हमने घन निकालना सीख लिया गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब इससे आगे की दस संख्याएँ ले लीजिए फिर ग्यारह ले लीजिए फिर बारह ले लीजिए तो आप जितनी संख्याएँ बढ़ाते जाएँगे उतने का घन हमें प्राप्त होता जाएगा देखिए अब हम दस तक निकालते हैं तो अब हम दस संख्याएँ लेंगे नवासी से आगे की नवासी से आगे आएगी इक्यानवे तिरानवे पंचानवे संतानवे निन्यानवे एक सौ एक एक सौ एक एक सौ तीन कितनी संख्याएँ हो गई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक सौ पाँच एक सौ सात नौ और एक सौ नौ ये दस संख्याएं हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब इनको जोड़ते हैं तीन और एक चार चार और पाँच नौ नौ और सात सोलह सोलह और नौ पच्चीस पच्चीस और एक छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस उनतीस तीस और चौंतीस और सात इकतालीस और नौ पचास की शून्य हाँ सिलाई पाँच पाँच और नौ चौदह तेईस तेईस उन नौ बत्तीस बत्तीस उन नौ इकतालीस और नौ पचास पचास की फिर शून्य यहाँ से लाइस पाँच अब एक दो तीन चार पाँच और पाँच दस ये एक हज़ार हो गए एक हज़ार हो गए एक हज़ार को हम कितने लग सकते हैं दस का घन देखो कितना मज़ेदार खेल है अब हम अगर ग्यारह लेंगे ग्यारह संख्याएं लेंगे एक सौ नौ से आगे की तो हमें ग्यारह का घन प्राप्त हो जाएगा बारह संख्या लेंगे तो बारह का घन प्राप्त हो जाएगा बहुत मज़ेदार पैटर्न बनता है इससे खेल खेल में हमको किसी भी संख्या का इस प्रकार से हम घन निकाल सकते हैं लेकिन हमें क्रमागत विषम संख्याएं लेना है ये इस बात का ध्यान रखना है कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जितनी संख्याओं को जोड़ेंगे उतनी संख्याओं का हमें घन उस संख्या का हमें घन प्राप्त हो जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद